गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, इस वाले वीडियो में क्विकली कवर करना चाहता था इस फैक्ट को कि आपको पता होना चाहिए कि आप अपने टारगेट्स को नीट में, यदि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए उसके लिए एक सेफ स्कोर है 620, और 620 का रास्ता है 340 बायो, 140 केमिस्ट्री, 140 फिजिक्स। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएंगे, ठीक है। हो सकता है केमिस्ट्री में 150 आ जाए, फिजिक्स में 130 आ जाए, हो सकता है बायो में 340 की जगह 330 हो जाए, वो 10 नंबर कहीं पे कॉम्पनसेट हो जाए। पर ये वाले जो नंबर्स हैं, आपकी नजर और आपका दिमाग इन्हीं नंबर्स पे होना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपका जो लास्ट टेस्ट हुआ उसमें आपका स्कोर आया 320, 130 और 140। आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि इस 320 को यहाँ पे पहुंचाना है, यहाँ पे थोड़ी मेहनत करनी है। या फिर ऐसा हो सकता है ये वाला स्कोर आपका आया, ऐसा हो सकता है कि ये वाला स्कोर आपका आया 340, 100 और 140। तो आपको पता है आपको केमिस्ट्री पे मेहनत करनी है। गाइस, ये वाली चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एग्जाम जो है उसमें कहाँ से नंबर मिल रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें रास्ता क्लियर होना चाहिए कि 600 प्लस का रास्ता क्या है, 620 तक पहुंचे का रास्ता क्या है। मैं क्यों इस चीज को इस टाइम पे बता रहा हूं, आप में से काफी सारे लोग टेस्ट लिख रहे हैं, अपना दिमाग नहीं लगाते टेस्ट के बाद। टेस्ट के बाद जो इंडिकेशन मिलते हैं टेस्ट से, दोज इंडिकेशन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब जितना टाइम बचा है उसमें यदि आप सारी चीज को वापस पढ़ने की कोशिश करेंगे, सारे वीडियो वापस देखने की कोशिश करेंगे, खूब सारे एमसीक्यू प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे हर जगह से, तो यू विल नॉट बी एबल टू फिनिश एवरीथिंग। टाइम का बहुत ज्यादा प्रेशर फील होगा, रात को नींद आना बंद हो जाएगा, परेशान हो जाएंगे, समझ में नहीं आएगा आज क्या करूं क्या ना करूं, लगेगा 24 घंटे कम है, पढ़ रहे होंगे 20 20 21 21 घंटे, अगले दिन सो रहे होंगे और दुनिया भर की प्रॉब्लम्स होंगी। ये टेस्ट आपको बताता है आपके जो भी नंबर आ रहे हैं इन मैजिक नंबर से दूर, 340, 140, 140 से दूर, उन जगहों पे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। बहुत ही सिंपल है, जो भी चीज आपको रोक रही है इन वाले मैजिक नंबर से पहुंचने की। और मैं इसमें एक चीज ये बताना चाहता हूँ, आप में से काफी लोग बायो को इग्नोर करते हैं, मैं आपको एक नंबर बता देता हूँ वापस, इस बात का ध्यान रखिएगा। 2023 नीट के अंदर 1.14 लाख एस्पिरेंट्स के 500 प्लस स्कोर था, ठीक है। इसका मतलब ये भी मान सकते हैं 500 आया तो इसका शायद 300 नंबर बायो में आया होगा। तो सिर्फ 1,14,000 स्टूडेंट्स, मान लेते हैं 1.5 लाख स्टूडेंट्स, इससे ज्यादा नहीं, 1.5 लाख स्टूडेंट से ज्यादा स्टूडेंट्स के 300 से ज्यादा नंबर नहीं थे आउट ऑफ 21 लाख स्टूडेंट्स। जस्ट इमेजिन करिए, सबको बायो आसान लगती है, और यदि आपका 250 नंबर आ गया, चलो एक चीज देख लेते हैं, मैजिक नंबर पे जाते हैं अपने और देखते हैं कि बायो में यदि 250 आ जाता है तो हमें फिजिक्स और केमिस्ट्री में चाहिए 350 आउट ऑफ 360 टू रीच 600 मार्क्स। हो गया खेल खत्म, दिस इज द प्रॉब्लम। बायो को इग्नोर नहीं करना है गाइस, दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट व्हिच आई वांट टू एम्फसाइज इन दिस वीडियो। बायो को प्लीज इग्नोर मत करिए, बायो को आप तभी इग्नोर करिए जब आपके कंसिस्टेंटली 340 के ऊपर आ रहे हो, बाकी जगहों पे अच्छा खासा झोल मचा हुआ। केमिस्ट्री में लेट्स से 90 नंबर आ रहे हो, बायो के अंदर 350 आ रहे हो, तो बायो पे ज्यादा टाइम मत दीजिए, केमिस्ट्री पे ज्यादा टाइम दीजिए, पर इन वाले नंबर से इंडिविजुअली कितना दूर है आप, इससे आपको एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, लिमिटेड टाइम जब होता है तो फोकस की जरूरत होती है, आपको सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। यदि आपके टेस्ट में लेट्स से 500 नंबर भी आते हैं और आपको 600 पे पहुंचना है, तो इसका मतलब आपको सारी चीजें नहीं पढ़नी है गाइस, कम ऑन, दिमाग लगाइए, बहुत ज्यादा जरूरत है। हबड़ दबड़ मत करिए, परेशान मत होइए, दौड़ना चालू मत करिए, इस चैनल पे उस चैनल पे जाके वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। इट इज वेरी वेरी सिंपल, कौन सी चीज आपका स्कोर बढ़ाएगी, कौन सी चीज को पढ़ के, कौन से वीक एरिया को फिक्स करके आपका स्कोर बढ़ेगा, यू नो द आंसर टू दैट क्वेश्चन, यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर एल्स, बट वो डिसिप्लिन चाहिए। मन करेगा वो चीज बार बार करता रहो जो आती है, पर जो चीज आपको आती है उसको बार बार करने से आपके नंबर नहीं बढ़ेंगे, ये रियलिटी है और इस रियलिटी को आप जानते हैं, तो डिसिप्लिन बनाइए। तो मैं आपसे नेक्स्ट चीज ये रेकमेंड करना चाहता हूँ, इसका एक बहुत अच्छा साधन है डीपीपी जनरेटर। कैसे डीपीपी जनरेटर यूज करते हैं टारगेट बैच के अंदर, एक वीडियो मैंने बनाया था, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, डीपीपी जनरेट करिए। सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से
सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के क्वेश्चन नहीं होते, है ना, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के क्वेश्चन नहीं होते, लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चन नहीं होते, है ना, रेगुलेशन और रेस्पिरेशन के क्वेश्चन नहीं होते, है ना, या लेट्स से आपके उसके बाद लेट्स से मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चन नहीं होते, है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के क्वेश्चन नहीं होते। आप भी कहोगे सर पेपर आप दे नहीं रहे, आपको सब कुछ पता है, क्यों? क्योंकि मुझे स्टूडेंट्स बता रहे होते हैं। ये सबको उठा के डीपीपी जनरेट कर लो। डीपीपी का मतलब आपको 30 क्वेश्चन स्पेसिफिक टॉपिक के मिल जाएंगे। दिस हैज टू बी द वे गाइस। टेस्ट है, टेस्ट से पहले आपको रिवाइज करना है, टेस्ट के बाद आपको पता चले वी के रियाज, उनके डीपीपी जनरेट करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। यदि आपको लगता है कि हाँ कोई स्पेसिफिक थ्योरी है जो आपको जाके पढ़नी है, पढ़ लो। पर यार कम ऑन, पूरा वन शॉट देख लिया, पूरे वीडियो देख लिए, वापस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में लग गया पूरे पूरे चैप्टर में, उसका मतलब क्या है? इट इज नॉट रिक्वायर्ड। या तो आपने बिल्कुल तैयारी नहीं की तो वो सब चीजें ठीक है, यदि आपने तैयारी की और आप अपना स्कोर इंप्रूव करके उस मैजिकल नंबर 600, 610, 620 के पास में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, द आइडिया हैज टू बी अबाउट राइटिंग टेस्ट, प्रिपेयरिंग योर सेल्फ बिफोर द टेस्ट, जिससे आप टेस्ट को प्रॉपरली अटेम्प्ट करें। ऐसा ना हो कि मैं भूल गया था, इसकी वजह से मेरे टेस्ट में कम नंबर आए। और जब आपने टेस्ट दे दिया प्रॉपरली तैयार होकर, उसके बाद जो पता चला आपके जो भी वीके रह जाए, आपके 100 नंबर कट गए, आपके 200 नंबर कट गए, जो भी है, 200 नंबर कट गए, 520 नंबर है, आपको पता है कि मुझे 100 नंबर बढ़ाने हैं, तो कौन सी जगह पे मेहनत करूं पहले जिससे मेरे 500 नंबर बढ़ जाएंगे, ठीक है? तो अब मैं आपको फाइनल चीज बता रहा हूं कि आप एक काम कर लो, मेरी रिक्वेस्ट है, आप है ना, लेट्स से आपके 500 नंबर आ रहे हैं, 500 मार्क्स, इसको ध्यान से देखिएगा, है ना, आपके 500 नंबर आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि आपके नंबर कटे, नंबर लॉस्ट 200, 200 का मतलब है 40 क्वेश्चंस रॉन्ग, सही है, पहली चीज हो गई। इसका इम्प्लीकेशन ये है कि आइडेंटिफाई टॉपिक्स या चैप्टर्स फ्रॉम विच यू आर कंसिस्टेंटली लूजिंग मार्क्स, है ना। यदि चैप्टर के हिसाब से देखा जाए तो मेरा सेंस है कि आपके 40 क्वेश्चन गलत हुए, तो 40 क्वेश्चन गलत होने का मतलब मेरे हिसाब से ऐसा हो सकता है कि आपको 20 चैप्टर्स अच्छी तरह नहीं आते और वीक। अब आपको कुछ भी नहीं करना गाइस, 6 वीक्स रिमेन, है ना, ये 20 चैप्टर में देख लो कि इसको आइडेंटिफाई कर लो, इस 20 में से आपको कॉन्फिडेंस है कि 10 चैप्टर्स कॉन्फिडेंट है कि टाइम लगाएंगे फिक्स हो जाएगा, 7 चैप्टर है मीडियम कॉन्फिडेंस है ज्यादा मेहनत लगेगी, है ना, और 3 है मुंह बन जाता है, तो इनको तो भूल जाओ, इन 3 को करना मत। सबसे पहले इन 10 को पकड़ लो, आपके नंबर यहां से बढ़ के ये 40 से ये घट के 25 राउंड रह जाएंगे, 25 राउंड जैसे हुए आपके 595 पहुंच गया। तो सबसे पहले इसका प्लान बना लो कि यार ये 10 कैसे, क्या मेहनत करनी है, कौन से क्वेश्चन साधन आपके पास आ रहे हैं, आपके पास वीडियो लेक्चर्स कहीं ना कहीं से अवेलेबल होंगे, आपके पास हमारा टारगेट बैच है, क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्टिंग सब कुछ अवेलेबल है, पर ये प्लान बना लो कि अरे कौन से 10 चैप्टर हैं जिन पे मैं शॉर्ट शॉर्ट मेहनत करके, टाइम बहुत ज्यादा नहीं बचाएगा इस, तो हम सब कुछ नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल ये 3 चैप्टर है, लेट्स से मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स या रे ऑप्टिक्स या रोटेशनल मोशन, अगर 2 साल में नहीं कर पाया शायद एंड में भी नहीं होगा, तो छोड़ देता हूँ ना, कोई बात नहीं ना, जाएंगे 2 क्वेश्चन यहाँ पे, तो 40 क्वेश्चन को कम करके 20 क्वेश्चन रॉन्ग पे लेके आना है ना। तो आइडेंटिफाई दो चैप्टर जहां पे या टॉपिक जहां पे आपको स्पेसिफिक मेहनत करनी है, और ऐसा कर लीजिए कि इस वाले हफ्ते में 10 में से लेट्स से 3 चैप्टर 4 चैप्टर इस वाले हफ्ते में मेहनत करके, आई विल वर्क हार्ड ओनली ऑन दीज 4 चैप्टर्स, बाकी जो चल रहा है एग्जाम में नंबर आ रहा है दैट इज फाइन, ठीक है? तो ये एक चीज कर लीजिए, मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये बात समझ में आ गई। और दूसरी चीज मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, विल यू बी सेटिस्फाइड
विद ओनली 720 आउट ऑफ 720। बहुत सारे लोग तो इस वाले नजरिए से एग्जाम लिखते हैं। क्यों भाई, शांति रखो ना, गदाधारी भीम मत बनो। तो मैं आप लोगों से क्या कहना चाहता हूँ इस वाली चीज को लेके, आप ऐसे सोचो कि 620 आउट ऑफ 720 का मतलब है 100 मार्क्स डिडक्टेड, ठीक है? इसका मतलब है 20 क्वेश्चंस रॉन्ग। सारे क्वेश्चन सही नहीं करने यार, टेंशन ना लो फालतू की, है ना? एक भी क्वेश्चन गलत हो जाए पागल हो जाते हो। यू कैन गेट अप टू 20 क्वेश्चन रॉन्ग, यू कैन गेट अप टू 20 क्वेश्चन रॉन्ग एंड गेट अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। अपने दिमाग में ये चीज बैठा लो, ठीक है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका प्रेशर काफी सारा खत्म हो जाएगा, आपके टेस्टिंग की जो स्ट्रेटेजी है दैट वुड बिकम दैट मच बेटर। प्रेशर लेके आप काम नहीं कर सकते, ना एग्जाम से पहले तैयारी कर सकते हो ना एग्जाम के दौरान परफॉर्म कर सकते हो। तो इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो, मेरे 620 नंबर आ जाएंगे यदि मेरे 20 क्वेश्चन भी गलत हुए। आपको सारे क्वेश्चन सही नहीं चाहिए, इट इज ओके इफ यू गेट अ क्वेश्चन रॉन्ग, दैट इज फाइन, ठीक है? गाइस, मैं ये वाली चीजें कवर करना चाहता था। होपफुली यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल। मैंने तीन चीजें कवर की, मैजिक नंबर कवर किया, मैंने आपको बताया 340, 140, 140, 340 बायो, 140 केमिस्ट्री, 140 फिजिक्स। ये कॉम्बिनेशन थोड़ा बहुत इधर हो सकता है, इधर उधर हो सकता है, पर लेट से आपके बायो में यदि 250 नंबर आ गए तो आप 600 नंबर पे नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि 350 नंबर 360 में से लाना बड़ा मुश्किल होगा फिजिक्स केमिस्ट्री में। इसका दूसरा पर्सपेक्टिव फिर अब ये हो गया कि बायो को इग्नोर मत करिए, या फॉर दैट मैटर आपके यदि किसी सब्जेक्ट में कम नंबर आ रहे हैं तो उन जगहों पे प्रैक्टिस करके जहां पे आपके नंबर आ रहे हैं आपका स्कोर इंप्रूव नहीं होगा। यू हैव टू कन्फ्रंट योर वीक एरियाज, आपको अपनी वीक एरिया पे ज्यादा टाइम देना है, क्योंकि 42 डेज बचे। यू कांट स्पेंड दीज 42 डेज वेस्टिंग टाइम ऑन थिंग्स दैट यू ऑलरेडी नो, ठीक है? दूसरी चीज, मैंने इसके बाद जो मैंने आपको बताया वो मैंने आपको ये बताया कि आपके जहां पे भी नंबर कट रहे हैं आइडेंटिफाई कर लीजिए। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया 520 नंबर आ रहे हैं, यानी आपके 40 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। 40 क्वेश्चन के हिसाब से देख लीजिए कौन से चैप्टर्स में से या कौन से टॉपिक्स में से आपको प्रॉब्लम होती है, और जो आपको आसान लगता है उस पर एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के डीपीपी जनरेट करके एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके यू विल सी द इंप्रूवमेंट। और फाइनली मैंने आपको ये बताया कि आपके यदि 20 क्वेश्चन भी गलत हो गए तो भी आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो जाएगा। तो शांत रह जाओ, गदाधारी भी फालतू में परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 20 क्वेश्चन गलत हो गए तो भी आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो जाएगा, और आपके दिमाग में एक बार ये वाली ठंडक आ गई, फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन गलत हो गया, कोई बात नहीं, 20 क्वेश्चन गलत कर सकता हूँ। आपके 20 क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, आपके कम क्वेश्चन गलत होंगे, क्योंकि आधी गलतियां प्रेशर के अंदर परफॉर्म करने में होती हैं। जैसे ही आपका प्रेशर थोड़ा बहुत रिलीव हुआ योर परफॉर्मेंस वुड इंप्रूव। सो प्लीज गाइस, यू लाइक दिस वीडियो, मुझे वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में बताइए कैसा लगा वीडियो। मेरा टेलीग्राम आईडी है @KGNEETPrep। जब आपका एक प्लान बन जाए कि कौन से चीजों को मैं पहले फोकस करके इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे एक लिस्ट भेज दीजिएगा फोटो लेके मेरे टेलीग्राम आईडी @KGNEETPrep पे, एंड यू विल फाइंड दैट जब लिमिटेड टाइम होता है आप फोकस करेंगे इमीडिएटली आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव करेगा, ठीक है? एंड आई विल कीप इंटरेक्टिंग विद यू। मैं आपको कुछ 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 बीच बीच में गाइडेंस, कुछ कुछ डायरेक्शन वगैरह देता रहूंगा। सो बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। होली है मंडे को, पर आपकी असली होली 5 मई के बाद है, तो प्लीज भीगिएगा मत, ऐसा कुछ मत करिएगा जिससे तबीयत खराब हो, फिर बहुत ज्यादा खुंदक आएगी। दूर रहिएगा अभी तो मेरे हिसाब से, मतलब आराम से बैठ के यदि आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो थोड़ा वॉक वॉक कर लीजिए, कुछ ऐसी चीज कर लीजिए हल्की फुल्की जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो, बट आई वुड स्टे अवे फ्रॉम द फेस्टिवल गाइस, ठीक है बच्चों? बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।